ओम अरहम। हम आज जैन धर्म में आहार और अनाहार इस संबंध में जो चर्चा चलती है उस विषय पर हम लोग आपस में भी कुछ चर्चा कर रहे हैं। और हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कई जन या लोग इस चर्चा से लाभान्वित हो सकेंगे। चर्चा में सबसे पहले मैं कथा के माध्यम से बात शुरू करूंगा। कथा का जो समय है वो राम के समय की चर्चा है, राम के समय की घटना है। राम सीता जब वनवास के लिए निकल रहे थे उस समय लक्ष्मण भी उनके साथ हो गए, और लक्ष्मण की पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति भी जा रहे हैं तो उनके दिमाग में एक बात है कि मैं पति को किसी न किसी नियम से बांध दूं। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि देखो आप भैया के साथ जा रहे हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर आप वापस आने तक किसी और महिला से संबंध या शादी करते हैं तो आपको रात्रि भोजन में लगने वाले पाप जितना दंड का भागी होना पड़ेगा। मैंने जब ये कथा कहीं से पढ़ी या सुनी तब मेरे मन में एक बात आई कि क्या रात्रि भोजन को इतना पाप जैसी प्रवृत्ति माना गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर और ग्रंथों में मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा इस तरह के एग्जाम्पल समझ में आए कि समझो कोई मछुआरा है और वो जाल में मछलियां पकड़ता है तो वो 100 जन्म तक ये कार्य करता है, उससे उसको जितना पाप लगता है उससे भी बड़ा पाप रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। और एक जगह ये भी आया कि कोई वेश्यागमन करता है तो उससे भी बड़ा पाप उसमें आता है कि जो रात्रि भोजन पाप करता है उसको लगता है। तो इस तरह से जब मैंने कई जगह ये सब चीजें देखी या फिर ऐसा भी आया कि जंगल जलाने वाले लोग जिनको ठेका मिलता है कि मैं इतने जंगलों को जलाता हूँ मुझे इतना धन दो, तो जंगल जलाने में कितने पशु पक्षी सब मर जाते हैं तो उससे भी कई गुना पाप कहते हैं कि रात्रि भोजन को जो करते हैं उनको लगता है। तो भगवान महावीर का जो ये धर्म है जब तक व्यक्ति इसे पूरी तरह से समझेगा नहीं, तत्व को पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक तो ये बातें उसे एक तरह से मिथ्या लगेगी, झूठी लगेगी या कल्पना वाली बातें लगेगी। ये तो कल्पना वाली बातें हैं। तो ठीक है, पाप से हटकर हम अभी स्वास्थ्य से जुड़ी इसमें क्या खूबियां है वो बताते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी इसमें क्या खूबियां है। अगर हम 12 घंटे आहार करते हैं और 12 घंटे निराहार रहने का संकल्प कर लेते हैं तो संकल्प से क्या होता है, हमारे शरीर में अपने आप शरीर को और भी बहुत सारे नीड्स रहते हैं और बहुत सारे तत्व की जरूरत होती है। तो वो जरूरत जब शरीर को एक सूचना मिलती है कि अब 12 घंटा इस शरीर में ऊपर से कुछ डाला नहीं जाएगा, तब वो शरीर अपने आप उस तत्व को अंदर ही अंदर बढ़ाने लग जाता है। और कोई व्यक्ति जो ये सब सीक्रेट नहीं जानता, ये महावीर के सब सूत्र है, गहरे रहस्य भरे सीक्रेट्स है, कोई व्यक्ति ये सब गणित नहीं जानता तो वो तो उन्हें तो संकल्पबद्ध होगा, वो तो कहेगा कि दिन में क्या और रात में क्या, खुला हूं। कोई भी ऑफर करेगा पार्टी या कहीं भी जाना होगा, कोई फ्रेंड आ गया तो मैं तो उसको शेयर भी कर लूंगा और शरीर में कुछ भोजन भी कर लूंगा, खा लूंगा पी लूंगा। तो जहां शरीर 2400 घंटा बाहर से लेने वाली चीजों के लिए अंदर में प्रोसेस करता है तो शरीर को जो आवश्यक नीड होते हैं, आवश्यक जरूरत होती है, वो बन नहीं पाते हैं। और जब वो बन नहीं पाते हैं तब हम देखते हैं कि युवा अवस्था में जब शरीर में खून गर्म रहता है तब तक तो कोई बीमारी नहीं है, और जैसी हमारी स्थिति थोड़ी वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है 50 के आसपास 55 60 के आसपास तब हम कहते हैं कि वो अचानक ब्लॉकेज आ गया, वो मरीज को तो थायराइड हो गया, अरे मेरा पेंक्रियाज बिगड़ गया, शुगर बढ़ रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाई हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए होता है कि हमारा शरीर सिर्फ शरीर ही नहीं है जो हम देख रहे हैं, शरीर के भीतर भी एक हिडन सेंटर है, एक रहस्यमय तत्व है शरीर के भीतर। वो रहस्यमय तत्व जिसको लोगों ने किसी ने आत्मा कहा, किसी ने उसे मतलब सोल कहा, वो उसकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं। उसका खाना है निराहार। जब आप निराहार रहते हैं तब उस सेंट्रल को, उस सोल को उसकी जरूरत मिल जाती है। तो लोग इस विषय में जागरूक बने, इसीलिए हमने इस चर्चा को यूट्यूब के माध्यम से अभी स्टार्ट किया। तो आप मुझे बताइए कि भोजन के संबंध में
हमारा अगर अभ्यास अब तक नहीं रहा है निराहार वाला, तो कोई इस अभ्यास को कैसे करेगा फॉलो? जैसे हमने कहा कि हम अभी 12 घंटा आज रात में नहीं खाएंगे, लेकिन शरीर को अचानक से रात में खाने की आदत थी, तो उसने तो दूध डिमांड कर लिया या और कुछ दूसरे लोग खा रहे हैं, तो हमने सोचा कि वो मुझे भी तो खाना है, तो संकल्प टूट गया और हमने आहार भी कर लिया। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपके साथ ये घटनाएं घटेगी, कभी एक दो बार, चार बार, आठ बार, इस तरह से होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा मजबूत रहोगे ना कि नहीं आज टूट गया ठीक है, मैं कल इसका ध्यान रखूंगा, कभी जान में टूटेगा, कभी अनजान में टूटेगा, लेकिन अगर आप मजबूत हो जाएंगे तो कुछ ही दिनों बाद या महीने भी रख सकते हैं, कुछ ही महीनों बाद आपके शरीर को आप बैलेंस कर पाएंगे। बैलेंस कैसे कर पाएंगे कि भाई तेरा शरीर आहार का टाइम ये है, तेरा निराहार का टाइम ये है, तो जो निराहार का टाइम होगा ना वो शरीर अंदर से सीक्रेट चीजों को बना लेगा जिसकी जरूरत है। हम 100-125 साल का जीवन निकल आए हैं, हमारे भीतर में एक प्रज्ञा है, ज्ञान है, जब हम निराहार लेते हैं तब उसको भी बाहर आने का मौका मिलता है, वरना हम क्या करते हैं जीवन भर दूसरे से पूछते हैं कि ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, मैं ये करूं या नहीं करूं। हमारे भीतर की प्रज्ञा का हमको सहारा लेना चाहिए, लेकिन वो प्रज्ञा तो सोई है और हम बाहर के लोगों से सलाह मांगते हैं और कई बार उनकी सलाह गलत भी हो जाती है और हमें निराशा हो सकती है या हमें टूटना भी हो सकता है या कई बार हम गिर जाते हैं, मतलब सक्सेस नहीं मिल पाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर के लोगों के संपर्क में आके उनकी राय से कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि वो भी धोखा खा गया। तो हमारे भीतर में जो एक इंटीट्यूड है, प्रज्ञा है, उसका भी जागरण निराहार के समय में होता है। निराहार कैसे करना चाहिए? निराहार का अभ्यास आप ऐसे भी कर सकते हैं, शुरुआत में मान लो आपने भी आहार कर लिया 1 बजे दोपहर में और आपने सोचा कि 2 घंटा मुझे अपना पानी पीना है या रोटी खाना है, तो आपने कह दिया कि 2 घंटे मेरा निराहार का समय रहेगा, संकल्प कर लिया। अब अचानक किसी ने ठंडा लाके दे दिया आपका फेवरेट है और टूट गया, अनजान में आपने पी लिया, लेकिन तुरंत अलर्ट हो जाओगे वो टूट गया, इच्छा नहीं बढ़ो, चलो मैं दोबारा करता हूँ, तो दोबारा उसको पढ़ लो। 1 घंटे का कर सकते हो, आधा आधा घंटे का कर सकते हो, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, खाना पीना कुछ नहीं है, आपने कहा 2 घंटा मेरा निराहार का समय रहेगा, या रात में आप सो रहे हो शुरुआत में, चलो रात में 12 बज गए हैं, आपने कहा कि सुबह 6 बजे तक मैं निराहार रहूंगा, अब अचानक रात को 1 बजे आपको कोई मित्र आ गया और आपको शेयर करने के लिए कह रहा हो कि मैं अकेला थोड़ी करूंगा, मैं तो भूखा हूं, लेकिन आप भी खाओ, और आपने आपके शरीर को कहा कि मैं निराहार रहूंगा, तो उस समय तो आपको मजबूत रहना कि दोस्त मैं नहीं कर सकता तेरा शेयर भी। इस तरह से धीरे धीरे आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा और शरीर को जो आवश्यक है निराहार और आहार, ये दोनों तरह से आप उसको बैलेंस रख पाओगे। हम कहते हैं कि ज्योतिष होते हैं, कुंडलियां होती है, ग्रह नक्षत्र होते हैं, कुछ सक्सेस मिलते समय बैरियर्स भी आते हैं, सामान्य भाषा में लोग पर्वती बोलते हैं या ये कुछ बोलते हैं, शनि बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, इन सबका समाधान भी जब आप निराहार रहते हैं ना तो आपको भीतर से मिलना शुरू हो जाता है या उनका जो समय है वो कम हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि मैं 7.5 साल शनि लगने वाली है, तो 7.5 साल का समय घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इस पूरा शरीर जब निराहार रहता है तो तुम्हें कई तरह के गिफ्ट देता है। निराहार का मतलब होता है कि आपने पूरी दुनिया में जितना भी कुछ भी ट्रेस होने वाला था आपको, आपने उन सबको बैरियर्स कर दिया, एक तरह का कवच लगा दिया कि अब मेरा निराहार का समय है। निराहार सबके लिए पॉसिबल है? देखो जो शुरू करेगा, नहीं जो नौकरी वाले हैं वो कैसे करता है? जैसे वो उनका अपना समय होगा ना, जैसे मैं 9 बजे आज जॉब से आ गया शाम, नहीं जो नाइट में जाते हैं, हाँ तो उनका अपने हिसाब से वो करे, वो अपना सिस्टम देखे, ऐसा जरूरी नहीं कि दिन हो या रात हो, नहीं बस निकले, लेकिन एक समय ऐसा आ जाए कि देखो रात के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता शरीर को, भीतर में सूर्य है, शरीर के भीतर भी सूर्य है, जब बाहर का सूर्य जब अस्त हो जाता है तो शरीर का सूर्य भी उस समय सो जाता है, और उस समय अब अगर मान लो आपने कुकर में चावल चढ़ाए और नीचे अग्नि नहीं दी गई, या अग्नि दी गई है लेकिन एकदम कम दी गई है, तो जो चावल का समय रखा गया आधा घंटा वो नहीं पकेगा, उसको और ज्यादा समय लग जाएगा और वो कभी बिगड़ भी जाएंगे, कि ना पके मिलेंगे ना कच्चे मिलेंगे, क्योंकि अग्नि अग्नि तो चाहिए बहुत तेज और आपने उसको रख दिया एक छोटे से दिए के पास,
किस तरह से हो जाता है कि रात में सूरज का प्रकाश तो ढल जाता है, शरीर का प्रकाश भी अस्त हो जाता है, और आप जो धीमा प्रकाश है उसमें आप भोजन डालते हैं, आप उसको कहते हैं डाइजेस्ट करो, उसमें क्या होता है, देखो हम भोजन लेते हैं, हमारा शरीर को भोजन नहीं चाहिए, सिर्फ सार चाहिए, तो वो सार वो ले नहीं पाता है। सार वो कब ले पाता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि दूध ले लीजिए, आप 2 लीटर दूध ले लिया, दूध को किसी ने गर्म किया हुआ था, काफी समय बाद ठंडा भी हो गया। अब कोई कहता है कि मैंने सुना है दूध में नींबू डालने से ठंडा अलग हो जाता है, सार अलग हो जाता है और फेंकने वाला पानी अलग हो जाएगा, तो आपने नींबू 2, 4, 5, 6 डाल दिए लेकिन फिर भी दूध से ठंडा अलग नहीं हुआ, बताइए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में गर्म नहीं था, उसको हीट नहीं मिला। फिर हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि वो दूध तो ठंडा है, उसे गर्म पूरा करो, जब वो फुल गर्म तापमान पे आ जाता है तब ठंडा अलग हो जाता है और फेंकने वाला पानी अलग हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर को जब तापमान पूरा मिलता है तब जाके उसका सार वो अलग कर पाता है और कचरा अलग कर पाता है, वरना जैसे दूध का सार अलग नहीं हुआ, वैसे आपने भोजन तो लिया लेकिन वो भोजन से कुछ क्रिया नहीं हुई पूरी अच्छे से, और आपका शरीर वो शरीर थका, सिर्फ उसको थकाया आपने कि हम डाल रहे हैं आप इसको पचाइए, हम डाल रहे हैं आप इसको पचाइए, तो फिर शरीर हम ताकतवर तो इस पूरे संबंध में बस आज की चर्चा इतनी है कि व्यक्ति जैनिज्म को समझे, जैनिज्म को इस एक तरह का धर्म तो ठीक है, धर्म कह सकते हो, लेकिन उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर जो सीक्रेट है उसको पकड़ो, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हाँ जी, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर से जुड़ा बहुत कुछ और अनायास कुछ लाभ होने शुरू हो जाते हैं। आज की चर्चा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा देखें, अच्छा सुनें।